नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रो पूंजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा स्टॉक जिसमें आप शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो, यानी कि 2 वीक टू 3 मंथ के अंदर 20% to 40% का प्रॉफिट बुक कर सकते हो। मैं अपनी पर्सनल पोजिशन हाफ प्रॉफिट बुक करता हूँ 20% पे और फुल पोजिशन एग्जिट करता हूँ 40% पे। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, जिस स्टॉक के बारे में आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम है IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड। अभी इस स्टॉक की प्राइस चल रही है 51.85। फ्राइडे के दिन यानी कि 22 जन को इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया था और क्वार्टर 3 रिजल्ट में यह 51 करोड़ प्रॉफिट में है। लेकिन 2 वीक पहले इसमें एक न्यूज आई थी कि IIFL सिक्योरिटीज को IRDA की तरफ से इंश्योरेंस सेक्टर में बिजनेस करने की परमिशन मिल गई है। यह IIFL सिक्योरिटीज के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। दोस्तों, मैंने आपको IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड का क्वार्टर 3 का रिजल्ट और जो न्यूज है उसके बारे में बता दिया है, बट उससे भी बड़ी बात दोस्तों यह है कि IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड अपने ही शेयर्स बाय कर रही है। मैंने जब 14 जैन को देखा कि IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड ने 56,51,000 शेयर्स बाय किए 52.74 पे, तब मैंने इसे इग्नोर कर दिया था क्योंकि यह एक बल्क डील थी। बट जब मैंने 22 जैन को देखा कि IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड ने 18,50,000 शेयर्स बाय किए, तो यह फ्रेश बाय था। तो यहाँ पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि 27 मार्च को मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, ईसा अंबानी ने रिलायंस के शेयर्स बाय किए, 1 दिसंबर को टाटा सन्स ने टाटा मोटर्स के शेयर्स बाय किए, सेम उसी तरह IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड के शेयर्स बाय कर रही है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं। अब हम IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड का वॉल्यूम देख लेते हैं। फ्राइडे के दिन यानी 22 जैन को IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड में 74% शेयर्स की होल्डिंग की गई थी, यानी कि 20,49,000 शेयर्स होल्ड किए गए थे। इससे पहले इसमें 4 लाख, 2 लाख, 3 लाख के शेयर्स होल्ड हो रहे थे। 14 जैन को इसमें 59,56,000 शेयर्स होल्ड किए गए थे, लेकिन यह एक बल्क डील थी इसलिए मैंने इसे सीधा इग्नोर कर दिया है। लेकिन 22 जैन को जो फ्रेश बाय हुआ है तो मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता, मैं मंडे के दिन इसे जरूर बाय करूंगा। आप अपने पर्सनल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इसे बाय करें या सेल करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।